गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज हम अपनी थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन स्टार्ट करते हैं, राइट। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स को कंप्लीट किया, जो हमारी थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक था। अब हम थर्ड यूनिट का सेकेंड टॉपिक यानी फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है फिजियोलॉजी, आपको पता है कार्य किया आप सेंस ऑर्गन, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो संवेदी अंग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन से करने हैं हम उसकी बात भी डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आपने सेंस ऑर्गन स्टडी करना है उसको भी देख लेते हैं। कहते वी आर लिविंग इन द अ वेरी फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग एटमोसफेयर। कहता हम सभी कहाँ जी रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग ऐसे वातावरण में जो लगातार फ्लक्चुएट होता है और चेंज होता है। मतलब कि अभी गर्मी है, फिर सर्दी हो रही है, कभी ठंड आ रही है, कभी गर्मी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तापमान बढ़ रहा है, गिर रहा है ना, टेम्परेचर है वो, बारिश हो रही है, धूप आ रही है, तो ये सारी चीज़ें कहता है। इसलिए वी आर लिविंग, कहता हम सब जी रहे हैं अ वेरी फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग एटमोसफेयर। अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज मच रीच सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेंटेन द नॉर्मल लाइफ। वो कहता है एक लगातार कंटिन्यू फ्लो चल रहा है, किसका, इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज, ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इन सब की सूचनाओं का एक कंटिन्यू बहाव चल रहा है। मच रीच दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो कहाँ पहुँच रहा है, आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, है ना, जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ तक। क्यों, टू मेंटेन दी नॉर्मल, ताकि आपके जो नॉर्मल लाइफ है उसे व्यवस्थित या बैलेंस किया जा सके। तो क्या कह रहा है कि एक हमारा जीवन कहाँ चल रहा है, एक ऐसे वातावरण के अंदर जो लगातार परिवर्तित हो रहा है और उसमें अप एंड फ्लक्चुएटिंग मतलब अप एंड डाउन चल रहे हैं। और कहता है कि एक लगातार बहाव चल रहा है, किसका, इन्फॉर्मेशन ऑफ द चेंजेस, जो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इन सूचनाओं का, परिवर्तित सूचनाओं का एक लगातार फ्लो चल रहा है, और वो फ्लो कहाँ पहुँच रहा है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिससे कि हमारी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट, रिसेप्टर आर दी स्पेशलाइज्ड सेल मीन टू परसीव दी फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस। कहता है जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक प्रकार की, विशेष प्रकार की क्या कोशिकाएँ हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं। मीन टू, जिनका क्या मतलब है, जो क्यों है यहाँ स्पेशल, क्यों है ये रिसेप्टर्स, क्योंकि परसीव दी फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस, वो फ्लक्चुएटिंग कंडीशन से परसीव सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, आउटसाइड एंड सम एक्सटेंट इनसाइड द बॉडी, बाहर जो हो रहा है उन सबको, और जो आपके कुछ हद तक आपके शरीर के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं उन सबको वो कैरी करके कहाँ लेके जाते हैं, कौन ग्रहण करते हैं, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर एक स्पेशलाइज सेल्स है जिनका काम है परसीविंग दी फ्लक्चुएटिंग कंडीशन, जो भी आपकी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, है ना, जो भी स्थितियों के अंदर जो भी कंडीशंस हैं और उनके अंदर जो भी फ्लक्चुएशन चल रही है, चाहे वो शरीर से बाहर हो या शरीर के अंदर हो, उन सब को रिसीव करना, ये काम किसका है, रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर आर सप्लाइड विद नर्व फाइबर ऑफ द सेंसरी और एफरेंट नर्व्स। वो कहता है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका आर सप्लाइड विद, ये इनके अंदर क्या होती है, नर्व फाइबर्स होती है, रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर्स के अंदर क्या होती है, नर्व फाइबर्स होती हैं, किसकी, सेंसरी और एफरेंट नर्व्स की। क्लियर हो रही है बात, तो सेंसरी और एफरेंट नर्व्स की जो नर्व फाइबर्स है वो किससे अटैच होती है, रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर आर फाउंड इन बोथ इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स। पता है जो रिसेप्टर्स हैं वो आपको अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों में देखने को मिल जाएंगे। वेरियस काइंड ऑफ द रिसेप्टर्स विच मे बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ देयर पोजिशन एंड फंक्शन इन द बॉडी। आपके शरीर में किस जगह पर और उनका क्या काम है, इस आधार पर आप रिसेप्टर को अलग अलग क्लास में क्लासिफाइड या वर्गीकृत कर सकते हैं। तो रिसेप्टर को आप किस हिसाब से बांट रहे हो, द वेरियस काइंड ऑफ रिसेप्टर, बहुत प्रकार के रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, और आप उनको क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस जगह पर है और वो क्या काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, राइट। तो दो टाइप के आप
कह सकते हो रिसेप्टर, एक होते हैं एक्सटीरियर रिसेप्टर और एक्सटर्नल रिसेप्टर, और दूसरे होते हैं इंटीरियर रिसेप्टर और इंटरनल रिसेप्टर। एक तो वो जो शरीर से बाहर है, जो या जो शरीर से बाहर की चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं सूचनाओं को, तो ऐसे रिसेप्टर कहलाएंगे एक्सटीरियर रिसेप्टर और एक्सटर्नल रिसेप्टर, और अंदर वालों को बोलोगे इंटीरियर रिसेप्टर और इंटरनल रिसेप्टर, आंतरिक ग्राही। चलिए अब एक एक करके दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका आ गया एक्सटीरियर रिसेप्टर और एक्सटर्नल रिसेप्टर। कहता जो एक्सटीरियर रिसेप्टर है आर यूजली फाउंड आउटसाइड द बॉडी बट मे बी मे ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडी। कहता जो एक्सटीरियर रिसेप्टर है, ये जो एक्सटर्नल रिसेप्टर है, ज़्यादातर तो आपको ये कहाँ मिलते हैं, शरीर के बाहर ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपको शरीर के अंदर भी मिल सकते हैं। काम तो इनका काम यही है कि बाहर से चीज़ों को रिसीव करना, बट इनकी जो पोजिशन है वो आपकी बॉडी के बाहर भी हो सकती है और बॉडी के अंदर भी। एक्सटर्नल जो आपके एक्सटीरियर रिसेप्टर या एक्सटर्नल रिसेप्टर है रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो आपके बाह्य वातावरण से सारी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल रिसेप्टर। ये जो ग्राही है आपके, एक होते हैं अंतःग्राही, एक होते हैं बाह्यग्राही। जो बाह्यग्राही है वो आपके कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको शरीर के ऊपर या शरीर के बाहर, और दूसरा शरीर के अंदर भी मिल सकते हैं कुछ मात्रा में। और इनका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। चलिए तो जो हमारे एक्सटीरियर रिसेप्टर उनकी हम कैटेगरी को बता देते हैं। पहली कैटेगरी आती है फोटो रिसेप्टर। पहला जो आपका रिसेप्टर आता है वो है फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को रिसीव करता है। एक होता है फोनो रिसेप्टर, जिसका काम है हियरिंग, सुनने का। एक होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जिसका काम है स्मेल को महसूस, स्मेल को ग्रहण करना। एक होता है गैस्टेटो, जो टेस्ट को रिसीव करता है। ये सब रिसेप्टर्स के नाम है। एक होता है टैंगो रिसेप्टर, जिसका काम है टच और प्रेशर को आपको बताना। एक होते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो टेम्परेचर के बारे में बताएं। थर्मो को दो बार दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो होता है कैलो रिसेप्टर, एक होता है फ्रीजिडो। कैलो होता है जो हीट के बारे में बताता है, और फ्रीजिडो जो होता है वो कोल्ड, ठंड के बारे में बताता है। अगला है रियो रिसेप्टर, जिसका काम है वाटर की या एयर के करंट को बताना, कि हवा का बहाव कितना है, पानी के बहाव कितना तेज़ है। एक होता है गैल्वेनो रिसेप्टर, जिसका काम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो आपकी विद्युत धारा होता है उसके बारे में बताना। एक होता है टेली रिसेप्टर, जो डिस्टेंस रिसेप्टर यानी विजन और हेयरिंग के बारे में। और एक होता है प्रोप्रियो रिसेप्टर, जो मसल्स की पोजीशन के बारे में। राइट, इतने रिसेप्टर आपकी बॉडी में होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको आपको पता है, काम तो सारे पता है आपको, ये सारे जो काम हो रहे हैं उनके ये रिसेप्टर है। अगर आपको लाइट का पता लगाना है तो उसके लिए आपके अंदर बॉडी में रिसेप्टर होने चाहिए, वो होते हैं फोटो रिसेप्टर, जैसे आपकी आई इसका एग्जांपल है। हियरिंग के लिए जो रिसेप्टर लगे हुए हैं उन्हें कहेंगे फोनो रिसेप्टर। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टर, टेस्ट के लिए गैस्टेटो रिसेप्टर है, टच और प्रेशर के लिए टैंगो रिसेप्टर है, टेम्परेचर के लिए कैलो और फ्रीजिडो। अगर हीट टेम्परेचर किसी भी टाइप की हो सकती है, थर्मो रिसेप्टर है, तो अगर हीट को आपने अगर महसूस करना तो उसके लिए कैलो रिसेप्टर आपकी बॉडी में होना चाहिए। कोल्ड को अगर आपने तो वो फ्रीजिडो। रियो को तो करंट, अगर आपने जल की धारा या वायु की धारा उनको अगर महसूस करना तो रियो रिसेप्टर ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए गैल्वेनो, और डिस्टेंस रिसेप्टर टेली रिसेप्टर, और मसल पोजीशन के लिए प्रोप्रियो। ठीक, तो आपके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग दो आपको इंपॉर्टेंट है, एक है टैंगो रिसेप्टर, दूसरा है टेली रिसेप्टर। यानी कि टैंगो रिसेप्टर टच और प्रेशर के बारे में, और टेली रिसेप्टर जो डिस्टेंस रिसेप्टर आपको बताए, यानी विजन और हियरिंग वाला जो रिसेप्टर है, ये आपको स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो चलिए, जो दूसरा आपका है इंटीरियर रिसेप्टर या इंटरनल रिसेप्टर, फाउंड विद इन द बॉडी, ये शरीर के अंदर होते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और बॉडी। और ये आपको रिस्पॉन्स करेंगे कब, जब परिवर्तन आए आपके शरीर में आंतरिक तौर पर, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, जो आपका शरीर के अंदर का जो वातावरण है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए आपको आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए ये वाले जो इंटीरियर रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये आपको बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। कैटेगरीज में हो सकती है स्टेटो रिसेप्टर, दूसरी है एलगेसिस रिसेप्टर, एक होता है इंटीरियो। जो स्टेटो रिसेप्टर है ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्थिरता प्रदान करते हैं। एलगेसी रिसेप्टर ये पेन के बारे में आपको बताते हैं। इंटीरियर रिसेप्टर ये हंग, भूख और थर्स्ट, जो प्यास कब लगनी है आपको, कैसे लगनी है, उसको महसूस कौन करवाते हैं, ये वाले रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होंगे तब आपको ये चीज़ें सारी महसूस होंगी। ठीक, कहते हैं रिसेप्टर फाउंड इन द स्किन जॉइंट स्केल्टन मसल एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर जनरली सेंसरी रिसेप्टर। कहते हैं वो रिसेप्टर जो आपको कहाँ कहाँ मिले, आपकी स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर,
स्केलेटल मसल्स जो आपकी कंकाली पेशियां होती हैं, और आपके जो इंटरनल और ऑर्गन्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उनके ऊपर जो रिसेप्टर आपको मिले वो सारे के सारे कैसे होते हैं, जनरली सेंसरी रिसेप्टर, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, राइट। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं टैंगो रिसेप्टर क्या होता है। कहते हैं टैंगो रिसेप्टर जो है, यानी कि जो टच और प्रेशर के बारे में आपको सारी चीज़ें बताएगा। कहते हैं इन ह्यूमन लाइट टच इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर लोकेटेड टू सरफेस ऑफ द स्किन। वो कहता है कि अगर आप ह्यूमन की बात करो तो लाइट जो है वो लाइट टच इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। अगर आपको हल्का सा कोई टच करे, लाइट टच होता है, हल्का सा कोई छूए तो उसके जो रिसेप्टर है वो कहाँ होते हैं, आपकी स्किन के सरफेस के ऊपर। इन ह्यूमन लाइट टच इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर लोकेटेड टू द सरफेस ऑफ द स्किन। तो आपकी जो स्किन का जो सरफेस है, स्किन का जो सरफेस है वो लाइट टच को भी रिसीव कर, उसकी जो सेंसिंग है वो रिसीव कर सकता है। रिसेप्टर लोकेटेड क्लोज आर ऑफन फाउंड नेक्स्ट टू अ हेयर फॉलिकल। जो आपका हेयर फॉलिकल होता है ना, मतलब जो आपके ऊपर जो रोम लगे हैं, आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे जो बाल हैं, हेयर्स हैं, उनका जो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल का मतलब जो उनकी जड़ है ना, उसके पास ही ये सेंसर लगे होते हैं, बिल्कुल नज़दीक ही उनके सेंसर लगे होते हैं। कौन से? टैंगो रिसेप्टर। इवन इफ स्किन इज नॉट टच्ड डायरेक्टली, मूवमेंट ऑफ द हेयर इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। वो कहता है अगर आपकी स्किन को कोई टच भी ना करे, विदाउट, इवन इफ स्किन इज नॉट टच्ड डायरेक्टली, अगर आपकी स्किन को डायरेक्ट टच भी नहीं किया जा रहा है, तो अगर आपके जो छोटे छोटे ये जो रोम है अगर यही मूवमेंट कर रहे हैं तो वो संवेदना, वो मूवमेंट भी ये रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं। इतने सेंसिटिव होते हैं ये, समझ आ रही बात? कहने का मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहली बात आपकी जो स्किन है वो बहुत छोटी लाइट टच को भी महसूस कर लेती है, और ये जो सेंसर है, ये जो रिसेप्टर है, ये कहाँ लगे होते हैं, हेयर फॉलिकल के पास, जो आपके छोटे छोटे हेयर होते हैं उनके जड़ों के पास। वो कहता है अगर कोई चीज़ आपकी स्किन को टच भी ना करे, उसके बावजूद अगर आपके जो छोटे छोटे आपकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं, फॉलिकल हैं, वो ही अगर मूवमेंट करते हैं, अगर उनको ही कोई टच कर रहा है, तो भी आपको उस चीज़ का जो सिग्नल है वो रिसीव हो जाएगा इन रिसेप्टर के थ्रू। टच रिसेप्टर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि जो आपके टच रिसेप्टर है ना, ये हर जगह इतने ज़्यादा बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगे आपको, कि हर जगह ऊपर पूरी बॉडी पर आपको, ये पूरी सरफेस पर आपको एक जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका जो फैलाव है वो आपकी बॉडी के ऊपर मिले। स्किन ऑफ द फिंगर टिप्स मे कंटेन हैज मैनी हैज 100 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। वो कहता है जो आपकी फिंगर टिप्स होती है ना, उसकी जो स्किन है उसके अंदर आपको 100 पर स्क्वायर सेंटीमीटर में रिसेप्टर मिलते हैं, 100 पर स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर। वो कहते हैं टिप ऑफ द टंग इज सिमिलरली वेल सप्लाइड, और उसी तरीके से जो आपकी जीभ की जो टिप होती है, यह है टिप TIP, उसके ऊपर भी इतनी ही वेल सप्लाई है टैंगो रिसेप्टर्स की। हाउएवर बैक ऑफ द हेड हैज फ्यूर देन 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मैक्सिमम मिल सकते हैं, क्या एवरेज आपको 100 टैंगो रिसेप्टर मिलेंगे, जबकि सेम टंग की टिप पर भी ऐसा, आपकी जीवा की जो टिप है उसके ऊपर भी, लेकिन आपके सिर के पीछे वाली साइड जो है और उसके ऊपर आपको 1 पर स्क्वायर सेंटीमीटर में सिर्फ 10 टैंगो रिसेप्टर मिलेंगे, मतलब जितने कम टैंगो रिसेप्टर की संख्या कम हो जाएगी उतना ही सिग्नल आप कम रिसीव, उतने ही कम आप टच को महसूस कर पाओगे। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे बात डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आई। तो ये हमने टैली रिसेप्टर के अंडर में हम उसको स्टडी आउट करेंगे, एक विजन और हेयरिंग के बारे में। तो विजन में तो आई आती है, तो पहले हम आई को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो हेयरिंग के लिए आपका एयर जो यूज़ होता है उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो कहता है कि आई आर कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन। कहता है कि जो आपका नेत्र यानी कि जो आपकी आई है वो सबसे जटिल संवेदी अंग है। आई गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। कहता है जो आपकी नेत्र या आई है
वो आपके एनवायरनमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है एंड ब्रेन इंटरप्रेट दिस इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म एन इमेज, और आपका जो ब्रेन है इस सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब उसकी जांच पड़ताल करके क्या करता है, टू फॉर्म ए इमेज, एक चित्र बनाता है ऑफ व्हाट अपीयर विद इन द फील्ड ऑफ विजन, कि आपको सामने दिखने वाली जो भी विजन आपको दिख रहा है, जो आपको फील्ड दिख रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, समझा ये बात, क्या बोला कि जो आई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती है आपकी एनवायरनमेंट से और कहाँ ले जाती है, ब्रेन के पास, ब्रेन उस सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और उसका एक इमेज तैयार करता है जो जो आपको आपके आँख के द्वारा जो जो आपको दिखाया गया है सामने, आप आँख जैसे आपने ओपन की और आपको जो जो चीज़ें दिख रही है उन सब को ब्रेन इंटरप्रेट करता है और आपको बताता है कि आपको सामने दिखने वाली फील्ड में क्या क्या दिख रहा है। अ सिस्टम ऑफ नर्व दैट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू ब्रेन, सॉरी एक लाइन रहेगी यहाँ पे, कहता आई हैज़ अ लेयर ऑफ रिसेप्टर्स अ लेंस सिस्टम दैट फोकस लाइट ऑन दीज रिसेप्टर, वो कहता है आई के पास एक रिसेप्टर की लेयर होती है, रिसेप्टर्स की लेयर होती है, परत होती है जिसमें संवेदी अंग लगे होते हैं और एक लेंस का सिस्टम होता है, क्या होता है, एक लेंस का सिस्टम होता है, ये जो लेंस सिस्टम है ये क्या करता है दैट फोकस लाइट ऑन दीज रिसेप्टर, लाइट को फोकस करता है, जो बाहर से लाइट रिसीव हो रही है आपके नेत्र को आपकी आई को उसको फोकस करेगा, ये लेंस कहाँ फेंकेगा, आपकी उस रिसेप्टर की परत के ऊपर, समझ आ गया। कहता आ सिस्टम ऑफ नर्व दैट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू ब्रेन, तो कहता है एक आपकी नर्व का पूरा तंत्र चलता है कहाँ से, रिसेप्टर से कहाँ की तरफ, ब्रेन की तरफ, जो क्या लेके जाएगा सारे के सारे संदेश को, कंडक्ट इम्पल्स। तो वो कहता है कि आपने बात की कि आपकी आई के अंदर रिसेप्टर की क्लियर होती है और एक लेंस का तंत्र होता है, एक लेंस सिस्टम होता है, ये लेंस सिस्टम क्या करता है बाहर से आने वाली लाइट को फोकस करता है, कहाँ गिराता है, उस रिसेप्टर की लेयर के ऊपर, इस रिसेप्टर से एक नर्व का सिस्टम चलता है और वो कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक, ठीक, काम क्या है इस नर्व का, जितनी भी इम्पल्स जो है वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाए, ब्रेन तक, मतलब आपकी जो आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनको जो इम्पल्स मिला है, उनको जो बाहर का जो भी नॉलेज मिला है वो इस नर्व के थ्रू उस संदेश को कहाँ पहुँचाते थे, ब्रेन तक। कहता आई इज़ ऑफन कंपेयर टू ए कैमरा, आप आई को कंपेयर कर सकते हो कैमरा की तरह, कॉर्निया एक्टिंग हैज ए लेंस, और जो कॉर्निया है उसको हम लेंस की तरह डिनोट करते हैं, प्यूपलरी डायमीटर लाइक द अपर्चर ऑफ द कैमरा, आप जो प्यूपलरी जो आपकी प्यूपलरी मसल्स हैं उनका जो डायमीटर है उसको आप कैमरा का अपर्चर क्षेत्र, जैसा कि आपका एक जो नॉर्मल कैमरा होता है उसमें जो अपर्चर होता है क्षेत्र जहाँ से वो आप देख सकते हो, वैसे ही जो आपकी आइज के अंदर जो प्यूपलरी डायमीटर होता है उसको आप उसके इक्वल मान सकते हो, और रेटिना सर्विंग हैज़ दी फिल्म, और रेटिना को आप फिल्म की तरह ले सकते हो, जैसे आपकी फिल्म कैमरे के अंदर, पहले पुराने ज़माने, आजकल तो नहीं है, अब तो पेन ड्राइव या सॉरी पेन कार्ड आ गए, पहले क्या होता था कि मेमोरी कार्ड आ गए, पहले कैमरा के अंदर रील डालते थे, है ना, तो वो फिल्म की तरह आप उसको काउंट कर सकते हो रेटिना को, राइट। आप बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ आई, कि आपकी आई में क्या क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है आई इज़ अ स्फेरिकल फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, पहली बात कहता है जो आई है वो एक स्फेरिकल गोल आकृति की होती है और इसमें फ्लूइड फील्ड, इसमें एक द्रव पदार्थ भरा होता है, ठीक। तो वॉल ऑफ द आई कंसिस्ट ऑफ द थ्री लेयर, कहता है कि जो आई के अंदर जो दीवारें हैं उसमें तीन लेयर हैं, पहली है फाइब्रस ट्यूनिका, दूसरी है वैस्कुलर ट्यूनिका और तीसरी है रेटिना, समझ रही बात, बड़ा करके देख लेते हैं। तो उसने कहा कि आपकी जो आई की दीवार है उसमें आपको तीन परत मिलेंगी, पहली है कि आपकी आ गई फाइब्रस ट्यूनिका, दूसरी आ गई वैस्कुलर ट्यूनिका और तीसरी आ गई रेटिना, समझ आ गई। और यहाँ आप डायग्राम में देख ही रहे हो, तो ये आपका लेंस है, क्या है ये लेंस, लेंस किस पर टिका हुआ है, आपकी सीलरी बॉडीज़ के ऊपर, ये सीलरी बॉडी है और ये सस्पेंसरी फिलामेंट्स, उसके बाद आगे इनके आगे क्या लगे हुए,
ये वाला चैम्बर जो है पीछे वाला, इसको कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। आगे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? इंटीरियर चैम्बर। और ये जो आपको दिख रही है आकृति, ये जो डिज़ाइनिंग दिख रही है दो, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, इसे कहते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस। ये जो डायामीटर बनता है उसी से ही कैमरे का चित्र बनता है। और कॉर्निया आगे वाला हिस्सा है वाइट, और जो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके ऊपर होती है कंजक्टिवा। सबसे ऊपर होती क्या होती है? कंजक्टिवा, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लियर होगी बात? तो आपकी, उसने कहा आपकी जो वॉल है उसमें तीन लेयर है, पहले वाली है फाइब्रस ट्यूनिका, दूसरी है वैस्कुलर ट्यूनिका और तीसरी है रेटिना। जो पीछे वाला चैम्बर है ये वाला, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर, VITRES, विट्रस चैम्बर। क्या बोलते हैं? विट्रस चैम्बर। और सबसे बाहर की तरफ है स्क्लेरा, फिर है कोरोइड, और अंदर वाली परत है ये वाली, उसको कहते हैं रेटिना। और पीछे से जो नर्व जा रही है इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, इसको अच्छे से डायग्राम और देख लेते हैं। ये तो पीछे ये जो चैम्बर दिख रहा है आपको, पूरा ये जो पूरा कमरा सा होल सा दिख रहा है, इसे कहते हैं विट्रस चैम्बर। ये आपका लेंस है। लेंस जो, लेंस के आगे ये वाला जो आप चैम्बर देख रहे हो, उसे कहते हैं एक्वस चैम्बर। उसके ऊपर ये जो परत है ये कॉर्निया की है। पीछे आप देख रहे हो ये ऑप्टिक नर्व, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ये आपका है फोबिया। क्या है? फोबिया। उसके बाद स्क्लेरा और कोरोइड। स्क्लेरा सबसे बाहर वाली कवरिंग है, उसके अंदर है कोरोइड। और सबसे जो रेड वाली दिख रही है ये है रेटिना, जिस पर आपके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, राइट। उसके बाद ये आपकी क्या है? सीलरी बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये सीलरी बॉडीज? इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। तो एक एक करके हम पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। पहला आ गया आपका फाइब्रस ट्यूनिका। फाइब्रस ट्यूनिका कौन सा चैम्बर है? कहता फाइब्रस ट्यूनिका इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई वॉल। आई वॉल को सबसे कवर करने वाली, सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं फाइब्रस ट्यूनिका। कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर कॉर्निया एंड पोस्टीरियर स्क्लेरा। कहता आपकी ये जो आई बॉल है इसको पूरा कवर किया गया है बाहर से, और जो बाहर से कवरिंग की हुई है तो जो आई का वो हिस्सा जो शरीर से बाहर निकला हुआ है वहाँ पर उसे कहते हैं कॉर्निया, और जो अंदर की तरफ कवर किया हुआ है उसे कहते हैं स्क्लेरा। तो स्क्लेरा और कॉर्निया एक ही परत है, लेकिन जब वो अंदर है तो उसे स्क्लेरा कह रहे हैं, और जो वो बाहर चली गई आई, जो आपकी, जो आप जब आप किसी की आईज को बाहर से देखते हैं ना, जितना आँख का हिस्सा बाहर निकला हुआ है वो कवरिंग कौन सी? बाहर की तरफ कॉर्निया। इतनी बात समझ आ गई? तो कहता आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द आई वॉल वो क्या है? फाइब्रस ट्यूनिका। मतलब आई बॉल जो पूरी आपकी जो गेंद, आँख क्या होती है? गेंद की तरह होती है आई बॉल, है ना। तो उसकी जो बाहर की जो कवरिंग है उसे कहते हैं फाइब्रस ट्यूनिका। और उसी के अंदर फाइब्रस ट्यूनिका को आप दो हिस्सों बांट सकते हो। एक वो वाला हिस्सा जो इंटीरियर है बाहर की तरफ, तब आप फाइब्रस ट्यूनिका को क्या बोलोगे? कॉर्निया। और वही फाइब्रस ट्यूनिका जो अंदर की तरफ है उसे स्क्लेरा बोलोगे, जो अंदर धंसा हुआ है। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको डायग्राम मैं बना के दिखाऊँ, तो ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है, बाकी तो आपकी गर्दन के अंदर है, सॉरी आपकी जो हेड है उसके अंदर है ये वाला। तो जो बाहर की कवरिंग है, वैसे तो पूरा ये गोल है ना, तो वो कह रहा है कि जो पूरी बॉल को कवर किया गया है फाइब्रस ट्यूनिका से। बाहर की कवरिंग क्या है? फाइब्रस ट्यूनिका। लेकिन फाइब्रस ट्यूनिका को वो वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ कवर है उसे कहते हैं स्क्लेरा, और जो बाहर की तरफ है उसे कहते हैं कॉर्निया। और जबकि वो पूरे एक नाम क्या है? फाइब्रस ट्यूनिका। इतनी बात क्लियर होगी? समझ आ गई बात? कहता है स्क्लेरा जो है वो कैसी है? वाइट ऑफ द आई, उसे हम आई वाइट ऑफ द आई भी कहते हैं, है ना। मतलब सफ़ेदा, मतलब आँख का सफ़ेदा भी कह सकते हो, मतलब उसको अंदर से वाइट है होगी, इसीलिए उसे। तो इज ए लेयर ऑफ डेंस कनेक्टेड टिश्यू मेड अप ऑफ मोस्टली कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो कहता है कि जो स्क्लेरा, देखो दो पार्ट हो गए, कॉर्निया जो बाहर निकला हुआ है परत, और वो वाली परत जो अंदर की तरफ है, तो उसे हम वाइट ऑफ आई भी कहते हैं। और कहते हैं इज अ लेयर ऑफ डेंस कनेक्टेड टिश्यू, उसमें संयोजी ऊतकों का
काफ़ी घना लेयर मिलती है और वो बनी किसकी है, कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट की। कहता है स्क्लेरा प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्ट इनर पार्ट, वो आँख को शेप देती है और साथ ही साथ जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हीं उनकी उनकी रक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। स्क्लेरा थ्रू नो लाइट कैन पास, वो कहता है स्क्लेरा के थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, मतलब जो स्क्लेरा है ना, ये जो यहाँ पर जो आप जो स्क्लेरा देख रहे हो इसे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। लाइट मतलब जैसे आपकी, अगर मैं बात करूँ लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, ये यहाँ तक ही जाएगी, आगे इसे क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि स्क्लेरा कैसी है, लाइट को क्रॉस नहीं होने देती आगे, समझ आ रही बात। तो थ्रू स्क्लेरा नो लाइट कैन पास, जो लाइट आपकी वो पास नहीं कर सकती। स्क्लेरा इज ए मॉडिफाइड इंटीरियरली टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया थ्रू विच द लाइट रेज एंटर द आई। तो वो कहता है कि जो स्क्लेरा है इज मॉडिफाइड इंटीरियरली टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो अभी हमने बात की, ये सारा का सारा जो बाहर की कवरिंग है, ये पूरी बाहर की जो कवरिंग है आउटर वाली कवरिंग, वो क्या है आपकी फाइब्रस ट्यूनिका, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है स्क्लेरा, जो लाइट को बाहर क्रॉस नहीं होने देता, लेकिन ये वाला जो हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है वो लाइट को अंदर आने देता है। वो क्यों है, वो लाइट के लिए ट्रांसफेरेबल है, उससे लाइट पास कर सकती है, लाइट यहाँ से आ सकती है, इसलिए जब भी हम जब देखते हैं तो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है और ये हमें क्रॉस करती है इसको, तभी तो हमें चीज़ें विजिबल है। तो कहते हैं जो स्क्लेरा है इज मॉडिफाइड इंटीरियरली, जो स्क्लेरा है जो आगे वाली जो स्क्लेरा है वो मॉडिफाइड है, उसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉर्निया। अब कॉर्निया को देख लेते हैं। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट कोट दैट कवर द कलर्ड आयरिस, जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट कोट है, मतलब कि पारदर्शी एक कवच है जो हमारी आयरिस, वो भी कैसे कलरफुल आयरिस, क्योंकि आपको पता है हमारी आयरिस के कलर होते हैं, ब्राउन हो सकती है किसी का, किसी की ब्लू है, किसी की ब्लैक है, किसी की लाइट ब्राउन है, तो वो आयरिस में कलर होने की वजह से है। आपका जैसा आयरिस का कलर होगा वैसे आपकी आइज का कलर होगा। तो कहता है कि आयरिस के ऊपर ये कॉर्निया का कवरिंग चढ़ी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी कलर की होती है और जो प्रोटेक्ट करती है आपको, ठीक। कॉर्निया बिकॉज इट इज़ कवर्ड हेल्प फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, और ये कॉर्निया कैसे कर्व्ड है ना, आपका जो कॉर्निया है वो कैसा है, ऐसा कर्व है आपकी, अंदर तो आँख है, ऐसे आँख ऐसे लगी हुई है, यहाँ लेंस है, तो ये कॉर्निया ये जो है कैसा है कर्व है, तो ये लाइट को ईजिली कहीं से भी लाइट यहाँ से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है ना। तो कर्व होने की से क्या मदद हुई, फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, तो कर्व की वजह से कोई भी लाइट जो डायरेक्ट रेटिना के ऊपर पड़ेगी, राइट। द आउटर सरफेस कंसिस्ट नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेपस एपिथीलियम, वो कहता है जो कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की लेयर मिलती है, परत मिलती है। दूसरा आगे, मिडल कोट ऑफ द कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ कॉलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, इनर सरफेस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। तो कहता है जो ये आपकी जो कॉर्निया है, कॉर्निया का जो आउटर सरफेस है उसमें तो आपको यूएलई सेल्स मिलेंगी, कौन सी, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। जो मिडल कोट है कॉर्निया का उसके अंदर आपको कॉलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगी, और जो इनर सरफेस है वो सिंपल है, उसमें स्क्वेमस एपिथीलियम मिलेगी। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब बात आती है वैस्कुलर ट्यूनिका, किसकी बात आती है, वैस्कुलर ट्यूनिका, क्या कौन सा पार्ट है, कहता है इज ए मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल। ये जो वैस्कुलर ट्यूनिका है ये कौन सी आपकी मिडल लेयर है आई बॉल, मतलब आई बॉल की बीच वाली परत, बाहर वाली तो क्या होगी आपकी फाइब्रस ट्यूनिका और मिडल वाली क्या है वैस्कुलर ट्यूनिका, और इसके अंदर भी तीन पार्ट है, कोरोइड, सीलरी बॉडी और आयरिस। देखो आँख की सबसे बाहर वाली जो परत है, बाहर की सबसे अगर ये आपकी आँख है सबसे आउटर कवरिंग है उसका नाम क्या है फाइब्रस ट्यूनिका, उसके अंदर सेकंड वाली उसका नाम क्या है वैस्कुलर
ट्यूनिका, ठीक। और इस वेस्कुलर ट्यूनिका के भी तीन पार्ट हैं, कोरोइड, सीलरी बॉडी एंड आयरिस। तो पहले हमने पढ़ लिया कि पहली जो बाहर जो हमारी आई बॉल आँख का जो गोला है उसको बाहर से कुछ ने कवर किया है फाइब्रस ट्यूनिका ने, अंदर की तरफ जो आँख जितनी आँख आपकी अंदर की तरफ धसी हुई है उस जगह पर आप फाइब्रस ट्यूनिका को किस नाम से पुकारते हो, स्क्लेरा। और बाहर की तरफ जो आँख आपको बाहर की तरफ दिख रही है उसे कहते हो कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट है। सेम वैसे ही अगली जो परत है अंदर की तरफ वो है वेस्कुलर ट्यूनिका। वेस्कुलर ट्यूनिका आपकी मिडिल लेयर है आई बॉल की, और जो तीन पार्ट से मिलकर बनी है कोरोइड, सिलरी बॉडी और आयरिस। कोरोइड, सिलरी बॉडी और आयरिस, ये देखो डायग्राम के अंदर। तो ये तो होगी आपकी स्क्लेरा, ये स्क्लेरा होगी। स्क्लेरा के आगे जो परत आई उसे कहते हैं कोरोइड, क्या बोलते हैं कोरोइड, यानी कि आपकी कौन सी वॉल है कोरोइड, अंदर की तरफ है वेस्कुलर ट्यूनिका, ठीक। और वेस्कुलर यही जो कोरोइड है आगे जाके किसे बन रहा है, सिलरी बॉडी में, और सिलरी बॉडी से आगे फिर ये आयरिस। तो ये मिडिल पार्ट हो गया, ये तो बाहर का है ना, ये बाहर वाली कवरिंग है। उसके बाद अंदर वाली कवरिंग क्या आई आपकी, वेस्कुलर ट्यूनिका। उसका वेस्कुलर ट्यूनिका को इंटरनली हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कोरोइड, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कोरोइड का ये थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म, इसे कहते हैं सिलरी बॉडी, और यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं इसको आयरिस। तो ये तीनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग पोजीशन है और अलग अलग जगह पे अलग अलग काम है, रूप मतलब है ये एक ही परत, ठीक है। और कोलेक्टिवली कॉल्ड यूवेई, क्या बोलते हैं उसको, यूवी, राइट, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं यूवी। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे द कोरोइड, पहला हमारा पॉइंट द कोरोइड। कहता है कोरोइड इज ए वेस्कुलर लेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द स्ट्रक्चर इन द आई, आई की संरचना को ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है कोरोइड। और कोरोइड इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिका, जो वेस्कुलर आपकी वेस्कुलर ट्यूनिका है उसका पोस्टीरियर पोर्शन है, पीछे वाला हिस्सा। मतलब टोटल जो अब आपको पता है कि लेयर है पूरी, मतलब आप ही अपने बात की, हमारे पास एक बाहर वाली कवरिंग, ठीक है, उसके बाद सेकंड कवरिंग आ गई, तो ये आपकी आई थी। ये जो लेयर है इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्कुलर ट्यूनिका, सॉरी फाइब्रस ट्यूनिका, बाहर वाली को क्या बोल रहे हैं फाइब्रस ट्यूनिका, अंदर वाली को क्या बोल रहे हैं मिडल वाली को वेस्कुलर ट्यूनिका। इसके अंदर भी अगली लेयर भी आएगी, तीसरी लेयर भी आएगी, उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी फाइब्रस ट्यूनिका है उसका बाहर वाले हिस्से को किस नाम से पुकार रहे हैं, कॉर्निया। अंदर वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा, क्या बोल रहे हैं स्क्लेरा। सेम वैसे ही जो आपकी वेस्कुलर ट्यूनिका है वो तीन चीज़ों से मिलकर, उसमें तीन चीज़ें मिलाकर ये वेस्कुलर ट्यूनिका बन रही है। जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला जो धंसा हुआ हिस्सा है उसको क्या नाम दे रहे हो, कोरोइड, क्या बोल रहे हो कोरोइड। उसके आगे यहाँ इतना इतना हिस्सा किसका, क्या बोल रहे हो दोनों साइड, सिलरी बॉडी, और बाकी जो हिस्सा बचा उसे बोल रहे हो आयरिस। समझ आ गई बात, ये दूसरी परत होगी, ये देखो डायग्राम में, ये बाहर वाली परत क्या है आपकी, स्क्लेरा, अंदर वाली है कोरोइड, यहाँ कोरोइड बोल रहे हो, कोरोइड आगे जाके सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी आगे जाके आयरिस, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, द कोरोइड इज अ डीपली पिगमेंटेड विद मिलानिन, इसमें आपको वर्णक मिलते हैं जो मिलानिन वाले हैं। और कोरोइड एक्चुअल में वेस्कुलर ट्यूनिका का पिछला पोस्टीरियर पोर्शन है, पश्च सिरा है। कोरोइड प्रोवाइड द ब्लड सप्लाई एंड एब्जॉर्ब द स्कैटर्ड लाइट, तो जो कोरोइड का काम क्या है, एक प्रोवाइड ये कि ऑक्सीजन न्यूट्रिशन देती है स्ट्रक्चर की संरचना को, आई की संरचना को, और उसके अलावा प्रोवाइड दी ब्लड सप्लाई एंड एब्जॉर्ब दी स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर कर जाती है, बिखरती है, फैल जाती है, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड ब्लड सप्लाई देती है आईज को। कोरोइड लेयर फॉर्म द सिलरी बैंड एंड आयरिस इन द फ्रंट ऑफ आई, कहता जो कोरोइड लेयर है वो सिलरी बैंड बना रही है एंड आयरिस, क्या बना रही है, सिलरी बैंड और आयरिस बना रही है, कहाँ पर, आई की फ्रंट साइड पर, ठीक। दूसरी नेक्स्ट बात करते हैं आयरिस।
आयरिस इज ए पिगमेंटेड एंड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, ये आई का सबसे पोर्शन होता है कौन सा, पिगमेंटेड होता है, वर्णक होते हैं इसमें। द राउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरिस थ्रू विच लाइट एंटर द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई। वो कहता है कि जो आयरिस का जो ये राउंड ओपनिंग है, मतलब कि अगर मैं बना के दिखाऊँ, जैसे ये आपका लेंस है ना, तो लेंस के आगे इस तरीके से, इस तरीके से सिस्टम। तो कहता है कि ये आपका बीच में क्या है, लेंस है, ये क्या है, लेंस। तो वो कहते हैं, अब आपको पता है कि पीछे तो कोराइड कोराइड है, कोराइड आगे जिस पे ये टिका है ना, जिस पे ये जो लेंस टिका हुआ है, ये आपकी सिलरी बॉडीज, ये लेंस को छोटा बड़ा करती हैं और मतलब उसको फैलाती हैं, चौड़ा करती हैं। और आगे जो ये आपको लेयर दिख रही है वो भी यही है आपकी वेस्कुलर ट्यूनिका, उसका कौन सा हिस्सा है ये, आयरिस। आयरिस यहाँ पर पूरा नहीं मिलते, ये बीच में, अगर मैं इसको इसकी जो मैं अगर आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाऊँ तो ऐसा है आयरिस, बीच में छेद है और इस तरीके से। तो जो बीच सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से लाइट एंटर करती है, ठीक है ना, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, क्लियर होगी बात। तो द राउंड ओपनिंग, जो गोल वाली जो बीच की जो छिद्र है, कहाँ पर, सेंटर में, केंद्र में ऑफ द आयरिस, आयरिस के एकदम बीचों बीच, थ्रू विच, जिससे लाइट एंटर द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, जिससे कि लाइट जो है वो आई के आंतरिक भाग पर जा पहुंचती है, इज दी प्यूपल, और उसे हम क्या नाम से, क्या नाम देते हैं, प्यूपल। आयरिस कंटेन सर्कुलर मसल दैट कंस्ट्रिक्ट एंड रेडियल मसल्स दैट डायलेट द प्यूपल। तो कहता है कि जो आयरिस है उसके पास सर्कुलर मसल्स होती हैं जो उसे संकुचित कर देती हैं, और उसके पास रेडियल मसल्स होती हैं जो उसे डायलेट कर देती हैं उसके प्यूपल को, मतलब जो बीच में जो छिद्र बन रहा है उसका हमने क्या नाम दिया, उसको बीच में जो हमारा छिद्र बना जो आयरिस के बीच में, इसको इसको क्या नाम दिया, प्यूपिल। और ये जो इसकी डायमीटर है इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू किसकी हेल्प से, जो आपकी जो सर्कुलर मसल है और जो रेडियल मसल है, जो आपकी सर्कुलर और रेडियल मसल है, पेशियाँ जो हैं। आयरिस एक्ट हैज़ ए डायाफ्राम ऑफ ए कैमरा, ये कैमरा के डायाफ्राम की तरह बिहेव करता है, डायलेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द प्यूपल टू अलाउ मोर और लेस लाइट इन टू द आई। तो कहते हैं इसका डायलेट होना, इसका बड़ा हो जाना इस छिद्र का और छोटा हो जाना इस छिद्र का, किस छिद्र का, प्यूपल का, अलाउ इसकी वजह, ऐसा होने से क्या होगा, ज़्यादा या कम लाइट आपकी आँख पर जाएगी। जब ये डायलेट हो गया, बहुत बड़ा छिद्र हो गया तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, अगर ये छोटा छिद्र हो गया तो आपकी आँख में लाइट कम जाएगी। दैट इज़ रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर द आई, मतलब जो नेत्र के अंदर, जो आईज के अंदर लाइट जा रही है उसके अमाउंट को ये रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है, आपका प्यूपिल, मतलब प्यूपिल का जितना डायामीटर होगा उसके हिसाब से तो लाइट अंदर जाएगी। अगर प्यूपिल का डायामीटर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और अगर प्यूपिल का डायामीटर छोटा है तो कम लाइट अंदर जाएगी। तो आयरिस मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और जो आपकी ये आयरिस मसल्स के ऊपर जो नियंत्रण है वो किसका नियंत्रण है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, जो अपने आप काम करता है आपका तंत्रिका तंत्र। तीसरा जो पार्ट था वो था सिलरी बॉडी इज लोकेटेड बिहाइंड आयरिस एंड प्रोड्यूस द एक्वस फ्लूइड। कहता जो सिलरी बॉडी है वो कहाँ लोकेटेड, मतलब उनकी पोजीशन क्या है, LOCATED, लोकेटेड, वो कहाँ व्यवस्थित है, बिहाइंड आयरिस, आयरिस के पीछे, एंड प्रोड्यूस एक्वस फ्लूइड, और साथ ही साथ ये क्या बना रही है, एक्वस फ्लूइड बनाती हैं, दैट फिल द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, जो आई के फ्रंट वाले हिस्से को भर देता है। यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं, तो कहता है कि जो हमारी सिलरी मसल्स है, ये सिलरी आपकी मसल्स है ना, सिलरी बॉडी है, ये क्या कर रही है, आगे वाले हिस्से में फ्लूइड सिक्रेट कर रहे हैं, पानी सिक्रेट कर रहे हैं, जिससे पूरा भरा रहे पानी से, ठीक, समझ आ गई बात। तो सिलरी बॉडी हैज़ टू मेजर, एक तो सिलरी मसल्स होती है, एक होती है कैपिलरी नेटवर्क, दो इनके बाइफर्केशन है, प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर, और ये क्या बना रही है, एक्वस ह्यूमर बना रही है। तो जो सिलरी आपकी मसल्स है, ए सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल अटैच टू दी क्रिस्टलाइन लेंस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो वो कह रहा है कि
उसने कहा जो आपकी सीलरी बॉडी है उसके दो हिस्से हैं, मतलब दो भाग हैं, एक है सीलरी मसल और एक है कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ देख लो। तो वो कहते ये जो टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये आपकी सीलरी बॉडी है। और कहते सीलरी जो बॉडी है उसके दो हिस्से हैं, एक तो है सीलरी मसल्स और एक है कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क का काम क्या है, लिक्विड बनाना, और जो मसल है सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स का काम क्या है, सीलरी मसल का काम क्या है कि वो लेंस को चिपका के रखती है, मतलब लटका के रखा हुआ है, इसे यहाँ से चिपका है ये भी, ये तो है तो यही सीलरी मसल्स ही है ना। जो कैपिलरी मसल्स हैं उनका काम है सिक्रीशन करना, सिक्रीट करना, वो यहाँ पानी भर देती हैं, इसी के मॉडिफिकेशन है। और ये क्या है, सीलरी बॉडी जो लेंस को टिका के रखती है, राइट। तो दो सीलरी मसल का काम, सीलरी मसल क्या कर रही है, अ सर्कुलर रिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स अटैच टू दी क्रिस्टलाइन लेंस, वो लेंस के साथ उसका एक सर्कुलर रिंग में कैपिलरी मसल्स टच टच में रहती है, लेंस को पकड़ कर रखती है बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो कैपिलरी नेटवर्क है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस द एक्वस ह्यूमर। जो अब हम लेंस की बात कर लेते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सेल। जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी एक संरचना है, और जो बना किससे है, ट्रांसपेरेंटी कोशिकाओं से, जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कोशिकाओं से, लूज देयर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनील्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और ये भी न्यूक्लियस और आपकी जो ऑर्गेनील्स हैं उनको लूज कर देता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब लेंस की वृद्धि हो रही होती है, इन ट्रांसपेरेंट सेल की वृद्धि हो रही होती है, तो वो अपने न्यूक्लियस और ऑर्गेनिल को क्या कर देता है, लूज कर देता है, छोड़ देता है। इसीलिए जो आपका लेंस होता है ना वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाता, ज़िंदगी भर आपकी जब आप पैदा हुए थे तब से लेके जब तक आप मरोगे नहीं, आपके लेंस का एक ही साइज़ रहता है, क्योंकि लेंस के सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनिल्स नहीं है, समझे की बात। क्रिस्टलाइन लेंस ड्यू टू द लैक ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, मैच्योर लेंस सेल कैन नॉट दी रीजनरेट और रिपेयर देम सेल्फ। तो कहता है कि ड्यू टू द लैक ऑफ डीएनए, क्योंकि आपको पता न्यूक्लियस है ही नहीं, ना तो डीएनए ना ही प्रोटीन सिंथेसिस की उसके पास मशीनरी है, तो जो मैच्योर लेंस सेल होते हैं वो कभी भी अपने आप को रीजनरेट या रिपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, खुद को। अगर आपकी आई का लेंस टूट जाए, इंजर्ड हो जाए, खराब हो जाए, तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। पर्सन ग्रो ओल्डर, लेंस ग्रो लार्जर एंड थिकर एंड बिकम फार लेस प्लास्टिक। तो कहते हैं जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होता जाता है, जो लेंस है वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और थिक मोटा हो जाएगा, और बिकम फार लेस इलास्टिक, और जो उसकी इलास्टिसिटी लचीलापन है वो कम होता जाएगा। एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज शेप डिक्रीज विद द एज। वो कहता है जो लेंस की एबिलिटी है, जो गुणवत्ता है, वो चेंजेस, वो परिवर्तित होती है, साथ में उसका आकार शेप भी डिक्रीजेस विद एज, और वो उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। आगे सीलरी मसल्स रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस। जो आपकी सीलरी मसल्स हैं वो लेंस की स्ट्रेंथ को रेगुलेट नियंत्रित करती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको, उसकी जो लेंस के अंदर जितनी जो ताकत है ना उसको नियंत्रित, उसके ऊपर रेगुलेशन कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है, जो सीलरी मसल्स है। सीलरी मसल्स मतलब जैसे ये आपका लेंस है, इस ये जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये जो सीलरी मसल्स है इनके ऊपर टिका हुआ है ना, तो ये जो सीलरी मसल्स हैं यही लेंस की लंबाई के ऊपर कंट्रोल करते हैं, कब उसको छोटा करना है, कब बड़ा करना है। एबिलिटी टू एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस नोन एज ए एकमोडेशन। वो कहता है कि लेंस की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना, लेंस की स्ट्रेंथ को, उसकी गुणवत्ता को ज़्यादा या कम करना, ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, एकमोडेशन। क्या कहलाता है, एकमोडेशन, AMMODATION। स्ट्रेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड ऑन इट्स शेप। कहते हैं जो लेंस की जो गुणवत्ता है वो उसकी आकृति पर डिपेंड करती है, और उसको चेंज कौन करता है, टर्न इज रेगुलेटेड बाय द सेल, और इसको उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, सीलरी मसल्स। व्हेन सीलरी मसल इज रिलैक्स्ड, जब आपकी सीलरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होती है, शांत अवस्था में होती है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट पुल द लेंस एंड मेक इट स्लाइटली फ्लैट। तब आपकी जो सस्पेंसरी फिलामेंट होती हैं वो लेंस को पुल करती हैं और उसे फ्लैट कर देती हैं।
वेन इज कॉन्ट्रैक्ट, और जब सीलरी मसल्स क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, तो लेंस बिकम्स मोर स्फेरिकल, तो आपका लेंस बहुत ज़्यादा गोल हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, तो ये कैसा हो जाता है, उत्तल, कॉन्वेक्स हो जाता है। ग्रेटर द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल लेंस इंक्रीज द इट्स स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा आपके लेंस स्फेरिकल लेंस के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर गुणवत्ता होगी। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है और ये आपका इमेज पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, उसको उसको फ्लैट कर दिया, जितना जो चीज़ दूर होती है तो उसको हम बड़े गाढ़े तरीके से देखते हैं, तो ये हमारा लेंस छोटी हाइट का हो गया और आपका ये इमेज पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर जगह पर बना है, ये रेटिना को क्रॉस कर गया है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और वो करवा कौन रहा है उसको, जो उसकी सीलरी मसल्स हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, कैसे ये काम करता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।